हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और इस बार हम करेंगे आपकी फेब्रुअरी की रीडिंग, जो कि हाफ मंथ के लिए है, 1 to 15 ऑफ फेब। और ये रीडिंग स्पेशल इसलिए भी हो जाती है क्योंकि 14 फेब को वैलेंटाइन डे है, एंड पर्टिकुलरली ये डे लवर्स ही सेलिब्रेट करते हैं। सो लेट्स सी कि ये स्पेशल मंथ आपके लिए क्या होल्ड करता है फ्रॉम 1 to 15। और कार्ड्स प्री शफल्ड हैं, सो लेट्स जस्ट टर्न देम ऑन। द मजिशियन, Five of Pentacles, Queen of Cups, Four of Pentacles, Ace of Swords, the Emperor in Reverse, the Moon in Reverse, Ten of Swords in Reverse, and Seven of Swords. So, okay. पहले तो अच्छी बात यह है कि मिडिल में कार्ड मुझे दिख रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो मे बी आप जिसको भी डेट कर रहे हैं या जो भी इस मंथ में आपको मिले फ्रॉम 1 to 15, वो ऐसा पर्सन होगा जिसको कि आप अल्टीमेट गिफ्ट मानते हैं। मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन एक गिफ्ट की तरह है। आपको ऐसा लगेगा उसमें सारी खूबियां हैं। वो फाइनेंशियली स्पेशली आपको बहुत स्ट्रांग दिखाई देगा। उसका बैकग्राउंड अच्छा होगा, मतलब कि जो पेरेंटल प्रॉपर्टी वगैरह है उससे वो स्ट्रांग होगा। उसकी जो अर्निंग्स होंगी वो अच्छी होंगी। और इसमें रिलेवेंट नहीं है इतना जेंडर, मेल और फीमेल फ्रॉम बोथ साइड ऐसा हो सकता है। और ये चीजें आप देख के थोड़ा सा अट्रैक्ट होंगे, प्रभावित होंगे, क्योंकि आप इनके साथ अपना फ्यूचर प्लान करेंगे। तो अपनी शादी में हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है। मे बी जो भी आपका इस समय फेब में जो टाइम निकलेगा 1 से 14 तक, आप इसमें इस डिसीजन मेकिंग में बिजी रहने वाले हैं कि आपको शादी करनी चाहिए इस पर्सन से या नहीं करनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, आपके पास है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, या फाइव ऑफ पेंटिकल्स आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये थोड़ा परेशान लग रहा है अपनी फाइनेंशियल इश्यूज को लेके। तो आपका जो कंसर्न है, अगर ये जनरल रीडिंग है ऑफकोर्स, लेकिन अगर आपको किसी तरीके का कंसर्न है कि आपका जो फ्यूचर है वो किसके साथ स्टेबल होगा, क्या आप मॉनिटरली इतने स्टेबल हो पाएंगे कि अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा पाए या नहीं निभा पाए, ये आप सोचे परेशान है। और उस लिहाज से ये पर्सन आपको बहुत परफेक्ट लग रहा है। इसका प्रोफाइल, इसका जो भी पर्सनालिटी है, आपको ऐसी लग रही है कि यस दिस इज द पर्सन फॉर मी। आपको ऐसा लग रहा है कि ये ही पर्सन मेरे लिए सही है। और ये पर्सन आपसे कंपैशन भी शो कर रहा है। ये पर्सन जो है, ये द एम्परर इन रिवर्स आया था। रिवर्स का मतलब है जब ये स्ट्रीट होता है तो ये शो करता है कि अथॉरिटी, डोमिनेंस, बट ये रिवर्स में आया, ये शो कर रहा है कंपैशन। यानी ये पर्सन जो है आपसे कंपैशन शो करेगा, आपसे बहुत ही सॉफ्ट टोन में बात करेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि ये आपके सारे दुख समझता है। इससे बात करके ये आपको एक तरीके से दिलासा देगा, शोल्डर टू क्राई ऑन। यस, अगर आप किसी ऐसे पर्सन को खोज रहे हैं जिससे अपना दुख बता सकें, तो ये पर्सन आपको सुटेबल लगेगा इसके लिए। कंपैशन शो करेगा आपकी सिचुएशन में, बट इनका एक डार्क साइड है। लेट मी टेल यू, टैरो के हिसाब से इनका डार्क साइड ये है कि ये पैसे से तो ये बहुत स्टेबल है। क्वीन ऑफ कप्स आप देख रहे हैं रिवर्स, ये पढ़े लिखे हैं, इनका करियर अच्छा है, वेदर मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, ये जो भी पर्सन है ये बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा है, इसका करियर अच्छा है, और इसके जो भी प्रस्पेक्टिव है करियर के, फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहे हैं। बट इनका एक नेगेटिव साइड है दैट दे हैव सम लूज कैरेक्टर। इनका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा लूज, आई कैन से कि मतलब फ्लर्टी तरीके का इनका बिहेवियर है जो आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। मे बी फ्यूचर में ये आपको चीट कर सकते हैं, बट इससे आपको बहुत हर्ट फील होगा। पहले आप ये सोच रहे हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, बट जब ऐसा होगा तो आप इसे टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। फॉर नाउ यू आर थिंकिंग कि ओके, थोड़ा सा फ्लर्ट कर रहे हैं तो मैं इसे इग्नोर कर सकता हूं, आफ्टर ऑल दे आर परफेक्ट, बट ये चीजें बाद में प्रॉब्लम बनेंगी, ये चीजें आपके डिजॉनर का कारण बनेगी फ्यूचर में। आपको इंसल्टेड फील हो सकता है, आपको नेग्लेक्टेड फील हो सकता है, और ये पर्सन जो है उसके लिए बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेगा, क्योंकि उसका बिहेवियर ऐसा है। दे विल टेल यू कि तुम्हें पता नहीं था क्या, या आपको पता नहीं था कि मेरा क्या नेचर है, हमारी शादी एक दिन में तो नहीं हुई, हम तो रिलेशनशिप में थे। इस तरह की चीजें आ सकती हैं। यहां द मून है, शो हो रहा है, इसी कारण से आप थोड़ा अनस्टेबल फील करेंगे। ये सारी चीजें अगर आप देखें तो आप बिल्कुल श्योर हैं
कि आप इस इंसान के साथ कमिट कर सकते हैं, मगर ये चीज, ये फ्लर्ट आपको कहीं ना कहीं थोड़ा दिमाग में परेशान कर रहा है कि इन्होंने पास्ट में फ्लर्ट किया. चीट एग्जैक्टली नहीं भी किया तो फ्लर्ट तो डेफिनेटली ये पर्सन मुझे शो हो रहा है. आपके दिमाग में ये बना रहेगा कि ये पर्सन, इसने मेरे साथ फ्लर्ट किया है, आप इस चीज से ओवर नहीं हो पा रहे, और ये चीज आपको इंस्टेबिलिटी दे रही है. द मून इन रिवर्स इंस्टेबिलिटी दे रही है, और आप सोच नहीं पा रहे हैं कि आपको करना क्या है. तो ओके, तो चलिए आपके लिए एक ओरेकल भी निकालते हैं. लेट्स चेक ओरेकल में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. तो ये जो रीडिंग है आपकी, आप इसको लेके फ्रस्ट्रेट ना हो, इट्स जस्ट बिकॉज कि ये जर्नल है. और लेट्स सी कि ओरेकल का मैसेज क्या है पहले आपके लिए. टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. ओके, ज्वाल खुल वी हैव हियर. रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस. बहुत अच्छे से इसके साथ रेजोनेट कर रहा है. ये आपको कह रहा है कि ये जो जर्नी है ये एक लंबी जर्नी है. स्पेशली अगर आप कोई ऐसे वर्गो हैं जो आप शादी के लिए जल्दबाजी में हैं, या आगे बढ़ना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे अपने रिलेशनशिप को ले जाना चाहते हैं, मगर कंफ्यूजन में हैं, सो प्लीज धीरे धीरे आगे बढ़िए, अपना टाइम लीजिए. टेक वन स्टेप एट अ टाइम. ऐसा मत सोचिए कि सब एक साथ हो जाए, एक बार में एक चीज करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि धीरे धीरे ही चीजें अनफोल्ड होंगी आपके सामने. प्लीज वेट, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि धीरे धीरे जो भी सच है वो आपके सामने आएगा और चीजें अनफोल्ड होंगी. और अगर आप जल्दीबाजी करेंगे, वैसे ये आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है, और अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए. सो प्लीज वेट एंड सी एक्चुअल, क्योंकि ये पर्सन आपको कंपैशन शो कर रहा है. एक आप दुखी हैं तो आपके लिए ये एक शोल्डर बन गया है क्राई करने के लिए. बट आपको ये देखना पड़ेगा कि ये पर्सन एक्चुअली में अच्छा है कि नहीं, क्योंकि मोमेंट्रीनेस मुझे दिखाई दे रही है. आप जब वीक फील करेंगे तो आपके अंदर ये टेंडेंसी होगी कि जो भी आपको कोई अगर कंपैशनेट वर्ड बोल रहा है, सूथिंग वर्ड्स बोल रहा है, तो दिलासा दे रहा है, तो आप उसकी तरफ डेफिनेटली अट्रैक्टेड हो जाएंगे और एकदम से डिसाइड कर लेंगे यस दिस पर्सन इज ट्रू फॉर मी. मगर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन स्टेबल है और लाइफ में अच्छा कर रहा है, ये सब कुछ नहीं होनी चाहिए आपके लिए. बिकॉज मुझे साफ से हो रहा है कि अगर इस पर्सन को अगर आप ज्यादा दिन तक अपने लाइफ में रखेंगे तो ये आपके फ्रस्ट्रेशन का कारण बन सकता है. आपको एट पॉइंट्स इंसल्टेड भी फील हो सकता है, क्योंकि ये इसका नेचर है. ये इतना ज्यादा अपोलोजाइजिंग नहीं है और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हर्ट करने के बाद इतना सोचता नहीं है ये पर्सन जो भी है, मे बी मेल और फीमेल, हुएवर दिस पर्सन इज. सो प्लीज वेट, धर्म अनफोल्डिंग, टाइम विल अनफोल्ड एवरीथिंग, टेक वन स्टेप एट अ टाइम. और आप देखेंगे कि आप हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं, आपकी जिंदगी में खुशी आएगी और आप सही फैसला ले पाएंगे. तो यही आपके लिए टैरो का मैसेज है कि जो भी आपके लाइफ में इस वक्त आए, आप उसके बारे में 2 मिनट सोचें और जैसा सही लगे वैसा ही करें, और धीरे धीरे हर चीज अनफोल्ड हो जाएगी. सो दिस वॉज योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी फ्रॉम 1 to 15. इसकी नेक्स्ट रीडिंग हम अपलोड करेंगे इन द नेक्स्ट हाफ इन द फेब्रुअरी. और आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.